Om Jai Jai Namostu Namostu Namo Adantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Achayanam Namo Loe Savasahunam Namasamai Saraya Swami Bhutya Chakasite Chitsvabhavaya Bhavaya समय सार ग्रंथादिराज कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचित बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं पर ग्रंथों का राजा है। जैसे पर्युषण पर्व है ना, वो सारे पर्वों में राजा है। कषायों में राजा कहेंगे तो मो राजा, कर्मों में राजा कहेंगे तो मोनिय कर्म, सात तत्वों में कोई राजा कहेंगे तो जीव तत्व। ऐसे सारे ग्रंथों में राजा कोई है तो वो समयसार ग्रंथादिराज। गुरुदेव का आज प्रवचन चला ना 215 नंबर की गाथा, यही निर्जरा अधिकार ज्ञानी की बात बताई। ये ज्ञानी की दृष्टि एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के पर है, बाकी सब कौन हो गया है और दृष्टि में मात्र एक कौन है, मात्र एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। दो पार्टी बन गई, स्व और पर। जब भी सम्यक दर्शन होता है ना तो एक आत्मा के अलावा पूरा जगत, एक आत्मा के अलावा पूरा जगत किस में जाएगा, पर में जाएगा। फिर पर में आप सब कुछ डाल दो, ये पांच इंद्रिय के विषय, स्त्री घर कुटुंब परिवार, पुण्य पाप कर्म के उदय, आगे जाए तो पंच परमेष्ठी। गुरुदेव तो वहां तक कहते हैं ना, क्योंकि उनके लक्ष्य से भी मेरे कार्य की सिद्धि नहीं है। और आगे जाए तो अंदर में एक समय की पर्याय, राग की पर्याय तो पर निर्मल पर्याय भी किसके खाते में डाल दी, माने एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्व और उसके अलावा बाकी। गुरुदेव कहते थे ना एक कोर काम यानी एक कोर। इतना जबरदस्त आज गुरुदेव ने एक वाक्य कहा कि राग की रुचि, राग का आदर तो भगवान आत्मा का अनादर हो, और भगवान आत्मा का आदर हुआ तो राग का अनादर हो। ज्ञानी को राग है मुनाली भाई, पर ज्ञानी को राग का राग नहीं। किसका राग नहीं, राग का राग नहीं। इसलिए निर्जराधिकार में पूरे अधिकार में कह दिया कि ज्ञानी को निरंतर निर्जरा हो रही है। मेघा क्या हो रही है, निरंतर निर्जरा हो रही है। ये काम नहीं किया हमने, क्या काम नहीं किया, एक आत्मानुभूति का काम नहीं, बाकी सब कुछ किया। अनंत बार कहते ना 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कितनी बार लिया, अनंत बार लिया, पर करने योग्य कार्य था ना वो नहीं किया। क्या नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। पढ़ लिया, सुन लिया, भाषा में भी आ गया, चिंतन में भी आ गया, पर क्या नहीं हुआ, तो कहते वो आत्मा की क्या नहीं हुई, दृष्टि। आज भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया ना, कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड के वैभव के बीच में भी रहकर दृष्टि किसके ऊपर, दृष्टि द्रव्य के ऊपर, वैभव के ऊपर नहीं, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय एक में ही अहम करेगी नलिनी, किसमें, या तो स्व में और या तो पर। अद्भुत अद्भुत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, ये आत्मा जगत में सर्वोत्कृष्ट लगना चाहिए। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन किसका नाम, जब उसको आत्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखे, एक आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट दिखे, या एक आत्मा ही महिमावंत दिखे,
एक आत्मा ही अनंत गुणात्मक वैभव संपन्न दिखे, तब जाके उसको क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन की। कहते ना जिसको धन की रुचि होती है ना, धन की, उसको उसको क्या दिखता है, धन ही दिखता है। कोई बच्चे को क्लास में फर्स्ट आना हो, फर्स्ट आना हो, तो उसको दिन रात क्या दिखती है, पढ़ाई दिखती है ना, बस पढ़ना 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 पढ़ना। अभी जिसकी शादी होने वाली हो उसको कौन दिखता है, उसको वो व्यक्ति दिखता है ना पूरा दिन। ऐसे जिसकी परिणति में भगवान आत्मा विराजमान होने वाला है ना, उसको क्या दिखेगा पूरा समय, कौन दिखेगा, तो कहते हैं भगवान आत्मा दिखता है, वही मुख्य होता है। बार बार सब कुछ गौण हो जाता है और ये कौन क्या हो जाता है, मुख्य हो जाता है। समय सार के 23 नंबर के कलश में कहा ना, अई कथमपि मृत्वा, मर पच के भी क्या करो, मर पच के भी ये काम कर लो, वजन इस पे कर देना है, बाकी शयोक्षम ज्ञान है ना उसकी रुचि से काम नहीं होगा, धारणा ज्ञान की रुचि से काम नहीं होगा। कितना भी याद कर ले, कितना भी पढ़ ले, कितना भी सुन ले, पर यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। मर पच मरी पची ने पान सु करी लो, तो के सम्यक दर्शनी प्राप्ति कर लो। किसी को कैंसर होता है ना, कैंसर अभी तो अपन देखते हैं ना कितने केस, कीमो देते हैं ना, कीमो कितने कीमो देते हैं, 14-15 जो भी डॉक्टर कहते हैं ना, इतने कीमो लेने पड़ेंगे, कितना कष्ट होता है, बाल निकल जाते हैं, इतने कष्ट सहन करके भी वो कीमो लेता है। क्यों लेता है, क्यों लेता है, क्योंकि उसको ठीक होना है, उसको अच्छा होना है ना, तो इतना कष्ट सहन करके भी उस प्रोसीजर से वो जाता है, वो गुजरता है। ऐसे यहां कहते हैं कि कितना भी बाहर में कष्ट हो, कितनी भी प्रतिकूलता हो, कैसे भी उदय आ जाए, कितने भी उपसर्ग आ जाए, कितने भी परिचय आ जाए, पर उसके बीच में भी क्या कर लो, क्या कर लो, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि। बीजी रीते कहिए तो ध्रुव की दृष्टि, ज्ञायक की दृष्टि है ना, छह डाला में ना, धनी धन्य है वे जीव नर भव ताय यह कारज किया, तिन ही अनादि ब्रह्मण पंच परावर्तन तजी सुख वर लिया। सच्चे सुख की प्राप्ति कर ली, पूरा समय सार अज्ञानी में से ज्ञानी कैसे हो, अज्ञानी में से प्रीति आंटी ज्ञानी कैसे हो, उसकी पूरी विधि बताइए, एक एक गाथा जबर। ये जो 229 गाथा से 236 गाथा, ये समूह है, ये जो 8 गाथाएं है ना, ये 8 अंग की गाथा है। किसकी गाथा है, 8 अंग की गाथा। हमने व्यवहार से, चरणानुयोग से, प्रथमानुयोग से 8 अंग की बात तो हमने अनंत बार सुनी, बहुत बार सुनी, पर यहाँ जो ये 8 अंग की चर्चा है ना, वो द्रव्यानुयोग के एंगल से 8 अंग की चर्चा है, बहुत मार्मिक चर्चा है। माने ये समझ लो कि हमको कुनकुन आचार्य देव की गिफ्ट मिली है, क्या मिली है, गिफ्ट मिली है। इतने अद्भुत यहाँ पे 8 अंग बताए, व्यवहार से तो हमको पता है निशंकित क्या है ना, निकांक्षित क्या, निर्विचिकित्सा क्या, अमूढ़ दृष्टि क्या, उपगुहन क्या है, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव। पर यहाँ जो बात चल रही है, चलेगी, वो द्रव्यानियोग की अपेक्षा से 8 अंग की बात चल रही है। ये कुनकुन आचार्य देव की क्या है, हमको क्या है, गिफ्ट है ना, अद्भुत गिफ्ट है। दृष्टि हमको बनाने की कहा कि द्रव्य में तो कुछ नहीं करना, द्रव्य में कुछ करना कि नहीं, द्रव्य में कुछ करना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कुछ करना कि नहीं, उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि वो तो बने बनाया भगवान आत्मा, उसको शुद्ध करना है कि वो शुद्ध है, शुद्ध नहीं करना है ना, शुद्ध है और के नहीं, जैसे शक्कर मिठास मई है, शक्कर मिठास मई है, अग्नि उष्णता मई है,
ऐसा भगवान आत्मा ज्ञान और सुख से लबालब भरा हुआ है, बालब भरा हुआ। ज्यों का त्यों अनंत बार हम निगोद में गए, कितनी बार गए? अनंत बार निगोद में गए, अनंत बार हम नरक में गए। सुनना, किसकी विराधना करके? आत्मा की विराधना। एक आत्मा की रुचि नहीं की, उसके फल में हम चार गति पंच परावर्तन अनादि काल से करते आए, अनादि काल से है। पर तो भी उस हीन दशा में भी, हीन दशा में भी भगवान आत्मा तो ज्यो का त्यो, क्या कहा मैंने, इतनी हीन दशा हो गई तो मुझे आप बताओ कि गुण कितने कम हुए। मधुआन जी है ना, गुण कितने कम हुए बोलो, एक कम हुआ कि नहीं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। अच्छा, और सिद्ध पर्याय हो गई तो कुछ बड़ा, कुछ बड़ा भगवान आत्मा तो जो का त्यो। ऐसे भगवान आत्मा के गुणगान, ऐसे भगवान आत्मा के गुणगान, ऐसे भगवान आत्मा की महिमा गुरुदेव जी ने 45 साल, कितने साल की? 45। पूज्य बेंशी के वचनामृत में है ना कि आत्माए एक ज्ञायक नो वेश धारण करो, एक ज्ञायक नो मात्र, कयो वेश? एक ज्ञायक, एक ज्ञायक के सामने बाकी सब ज्ञानी को कैसा दिखता है? स्वांग दिखता है। पूरा जगत कैसा दिखता है मेघा भाभी? स्वांग दिखता है। श्रीमद जी ने लिखा ना आत्म सिद्धि में, सकल जगत छे एठवत अथवा स्वप्न स्वमान, ते ज्ञान ते रहिए ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। क्या कहा? बाकी वाचा, अखू जगत ज्ञानी को कैसा लगता है? ये आत्मा के सामने पूरा जगत एठवत, एठवार होए ना, एठवार, पूरा जगत तुच्छ लगता है। दूसरी भाषा में कहे नाक ना मेल समान लागे छे, तुच्छ लागे। छ खंड नो वैभव केवो लागे छे? नाक ना मेल समान लागे, मेल समान। फिर इधर 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 एकाद बंगला हो, एकाद गाड़ी हो जाए, मर्सिडीज हो जाए, क्या वैल्यू। थोड़ा थोड़ा शास्त्र का ज्ञान हो जाए, उस सूक्ष्म ज्ञान की क्या वैल्यू। आखू जगत एनी सामे केवू लागे, फीकी स्वभाव नो आनंद, अतिंद्रिय आनंद बटी वे है ना। इंद्रिय सुख कैसा लगता है? बहिंसी की भाषा में आज गुरुदेव याद करू ने कि काला नाग समान लागे, काला नाग सम अंदर से लगता है। वेदन दुख का वेदन होता है उस राग में, ऐसा लगता है कि कब ये सब संयोग छूट जाए और कब मैं पूर्णता की प्राप्ति करूं। ये पढ़ पढ़ के अनुभूति नहीं होगी, सुनना है ना, धारणा ज्ञान में रख रख कर अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना कि शुभ भाव करता करता, शुभ भाव करता करता शुद्ध भाव की प्राप्ति त्रण काल में थवानी। हमारा पूरा लक्ष्य किस पे जाता है? पूरा लक्ष्य देखो, पर से छूटे, अशुभ से छूटे, अब हम शुभ में आए ना, तो हम शुभ से पराधीन हो गए। हम कहां मार्ग ढूंढने लगे? हम कहां मार्ग ढूंढते हैं? या तो हम पूजा में मार्ग ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, मंदिर आने में सुख लगता है, पढ़ने में सुख लगता है, स्वाध्याय कर लेते तो ऐसा लगता है कि हम सुखी हो गए, हम धर्मात्मा हो गए, 2-3 घंटा पढ़ लेते सुन लेते तो हाँ बहुत संतुष्ट हो जाते। हमको गुरुदेव ने मार्ग बहुत ऊंचा दिया है। देखो, अशुभ से हटकर हम शुभ में आए, पर शुभ का निषेध करके उसका मतलब ये नहीं कि अशुभ में चले जाओ। शुभ का निषेध करके कहाँ जाना है? स्वभाव में जाना है, स्वभाव का अवलंबन करना है। क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं, जहां शांति है वहां से शांति मिलेगी। कोई क्षेत्र में शांति, कोई संयोग में, अगर कोई क्षेत्र में शांति हो ना तो नरक में एक सम्यक दृष्टि नहीं होता। और नरक में कितने सम्यक दृष्टि, कितने असंख्यात सम्यक दृष्टि। अगर क्षेत्र में शांति हो ना तो सिद्धालय में निगोदिया जी दुखी नहीं होते, है सब क्या होते, क्योंकि क्षेत्र एक, वहां अनंत सिद्ध कैसे,
सुखी और अनंत निगोदिया जीव। हम क्षेत्र में सुख ढूंढते हैं, वो तीव्र मिथ्या दृष्टि होता है, उसको तो लगता है कि हिल स्टेशन जाए तो वहां सुख मिल जाए। फिर वो स्वाध्यायी जी होता है ना, थोड़ा स्वाध्याय बढ़ जाता है तो क्या लगता है, कहीं कहीं तीर्थ क्षेत्र पे जाओ तो हमको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। कहीं कोई परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में सुख, गुरुदेव जी कहते प्राप्त नी प्राप्ति है। क्या कहते थे, प्राप्त नी प्राप्ति है, कुआं मा होई तो अवेड़ा मा आवेया। लिंडी पीपर का प्रसिद्ध उदाहरण गुरुदेव जी का। ऐसे आत्मा सुख से ज्ञान से लबा लब भरा हुआ है, ऐसी परिणति जो स्वभाव सन्मुख हो उसकी पर्याय में शांति आनंद भीतराता आए बिना जन्म मरण का क्या हो जाएगा, जन्म मरण का। मैं ये क्यों पढ़ता हूँ समय सा, एक एक गाथा वो रोज गुरुदेव के प्रश्न क्यों सुनते, क्योंकि मुझे अब बहु में रखड़ना, ये बहु मुझे एक बहु मुझे मेरे कार्य करने के लिए मिले, कार्य करने के लिए। बिन्शी का बोले ना कि अनंत बहु पर के लिए तो दिए, अब एक बहु किसके लिए दे दो, अपने लिए दे दो, अपने लिए दे दो। बाहर में तो दुखी है, चार गति में दुख है, काम नहीं करेंगे ना तो गटर में कीड़ा बनने में देर नहीं लगेगी, का फेंके जाएंगे। गुरुजे कहते बंटोड़िया ना तणक लानी जेम क्या उड़ी जसू ने पत्तो नहीं खाई। कोई जीव मानवा माटे तैयार नहीं थाय जो पोता पर दया न करी, पोतानु काम नहीं करियू। रजकण तारा रखड़ से जेम रखड़ तीरे, परि नर भव पामीश क्या चेत चेत नर छे। मनुष्य भव की कीमत आ जाए बस, हाँ काम हो जाए, विलब मनुष्य भव पांच इंद्र के विषयों में व्यतीत ना हो जाए। निशंकित अंग, पहला अंग निशंकित 229 गाथा, मैं इधर से पढ़ती हूँ 229 गाथा, देखो क्या कहते हैं। जे कर्म बंधन मोह करता पाद चारे छेद तो चिन मूर्ति ते शंका रहित समकीत दृष्टि जान हो। थोड़ा अपने पास समय है कम है ना, तीन दिन है, पर ये विषय अपन पूरा एक बार देखेंगे। ये आठ गाथा है, जो ये आठ अंग की गाथाएं है, आज अपन दो अंग लेंगे, निशंकित और निकांक्षित। फिर आपको भी इधर गुरुदेव का प्रवचन में चले गए ना वो गाथा है तो बहुत आनंद आएगा। निशंकित सबसे पहले इसमें कहा, देखो गाथा, जे चेतैता कर्म बंध संबंधी मोह करनारा मिथ्यात्व आदि भाव रूप चारे पाया ने छेदे छे ते निशंक सम्यक दृष्टि जानवो। मड़ियू आपको मिला। अब यहाँ पे क्या, चेतैता पहले एक शब्द जो आया ना टीका में गाथा में, क्या आया चेतैता, चेतैता माने कौन, चेतैता माने क्या आंटी, चेतैता माने जानने वाला, चेतैता माने देखने वाला है ना, जानने वाला देखने वाला उनको क्या कहेंगे, चेतैता। और एक गाथा में शब्द है चिन मूर्ति, चिन मूर्ति छेदाला में आता है, क्या आया है चिन मूरत बिन मूरत अनूप, चिन मूरत बिन मूरत अनूप। वहां जो चिन मूरत की बात आई है वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के लिए चिन मूरत, और ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की जिसने दृष्टि की उसको कहेंगे चिन मूर्ति, माने ज्ञानी हो गए चिन मूर्ति और भगवान आत्मा हो गया चिन मूरत। अंतर समझ में आया है ना कृति काजल बेन, है ना, अंतर समझ में आया, क्या समझ में आया कि चिन मूरत क्या है, चिन मूरत कौन हो गया अंतिम, भगवान आत्मा। और ऐसी दृष्टि जिसने की, ऐसी दृष्टि जिसने की वो क्या हो गया, चिन मूर्ति, चिन मूर्ति है ना। यार ज्ञानी की बात थी कि ज्ञानी जे चेतैता, जे चेतैता माने जो जाननार है देखनार है ना, कर्म बंध संबंधी मोह करनारा, जो मिथ्यात्वादी चार पाए है ना
अब कौन से चार पाए, चार पाए की बात किया, कौन से चार पाए, तो आप लिखना मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। आप लोग ने भी प्रमाद था ना, तो प्रमाद को यहाँ पे कषाय में गर्भित कर, कहीं पे पांच आते हैं, तत्वार सूत्र में दो आए हैं मोह और योग, बराबर मोह और योग, तो मोह में चार गर्भित कर दिए, कहीं पांच आते तो मिथ्यात्व अविरति कषाय प्रमाद योग, और चार आए तो मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग। अब यहाँ पे कहा कि जो ज्ञानी हो गए ना, ज्ञानी हो गए उनके ये चार पायों का अभाव हो गया, कितने पायों का अभाव हो गया, चार पायों का अभाव हो गया। अब आपका प्रश्न होगा कि हमने तो अभी सुना है, हमने इतना इतने समय से सुना है कि चार पायों का अभाव तो सिद्ध होते होगा, अभी अभी तक तो ऐसा सुना है ना कि भाई चौथे गुणस्थान में आया तो मिथ्यात्व गया, पांचवे में आए तो अविरति गई, ग्यारहवे में आए तो कषाय गई, और चौदहवे में आए तो योग गया। अभी तक तो ऐसा सुना है कि ये सब तो क्रम से जाता है, तो इधर तो ऐसा कह दिया, क्या कह दिया कि चौथा गुणस्थान आया तो चार पायों का नाश हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, चौथे में ही चार पायों का नाश, चौथे में ही चार पायों का नाश, हमने तो क्या सुना है चार पायों का नाश क्रम से होगा, है ना। फिर से एक बार मिथ्यात्व कब जाता है, चौथे में, अविरति पांचवे में, कषाय ग्यारहवे में, और योग चौदहवे में, है ना। पर याद तो चौथे गुणस्थान की बात है ना काजल बेन, कि क्या 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 कहा कि चौथे गुणस्थान में आते ही ज्ञानी होते ही उन्होंने चार पायों का क्या कर दिया, कैसे। देखो द्रव्य स्वभाव जो है ना, सबका जो द्रव्य स्वभाव है वो द्रव्य स्वभाव में तो चार पाए है ही नहीं, द्रव्य स्वभाव में चार पाए है ही नहीं है, बोलो द्रव्य स्वभाव में किसी के स्वभाव में है, किसी के भी नहीं है ना, मैंने द्रव्य स्वभाव से देखे तो सबके द्रव्य स्वभाव चार पायों से रहित है, पर पर्याय में कौन रहित हो गया, कि जिस परिणति ने ऐसे द्रव्य स्वभाव का अवलंबन किया, जिस श्रद्धा की पर्याय ने ऐसे द्रव्य स्वभाव का अवलंबन किया, उस श्रद्धा की पर्याय, उस सम्यक दर्शन की पर्याय, दूसरे शब्द में के उस शुद्ध परिणति की पर्याय में से भी वो चार पायों का अभाव, क्योंकि वो परिणति ने किसका अवलंबन लिया, किसका अवलंबन लिया, शुद्ध द्रव्य का, तो शुद्ध द्रव्य में चार नहीं है ना, तो वो परिणति भी चार से रहित हो गई कि नहीं, क्योंकि उसने अहम किस में किया, शुद्ध द्रव्य में, और उसने जिसमें अहम किया उसमें ये चार पाए, और पर्याय जब सम्यक दर्शन होता है तो वो पर्याय अपने को पर्याय थोड़ी मानती है, वो पर्याय देखो काम पर्याय में होता है, अनुभूति होगी पर्याय में, आनंद आएगा पर्याय में, पुरुषार्थ करेगी पर्याय, पर पर्याय अपने आप को पर्याय नहीं मानती, पर्याय कहती है मैं पर्याय नहीं, श्रद्धा की पर्याय की बात है सुनना, मैं पर्याय नहीं, मैं व्ययी होने वाली नहीं, मैं क्षणिक नहीं, मैं उत्पाद दे वाली नहीं, मैं दुखी नहीं, मैं अशुद्ध नहीं, मैं कौन, मैं तो ध्रुव, मैं शुद्ध, क्योंकि उसने पूरा अहमपना किसमें करा, त्रिकाली में करा, तो त्रिकाली में चार पाए नहीं, तो जो परिणति ने उसका अवलंबन लिया उस परिणति में से भी चार पायों का क्या हो गया, ख्याल आया, माने वो परिणति कैसी हो गई, निशंक हो गई ना। अब वो परिणति, अब देखो ये गाथा, ये परिणति अब ऐसे नहीं कहती, श्रद्धा की पर्याय ऐसा नहीं मानती कि मैं बंदी हुई हूँ, मैं रागी, मैं राग को करने वाली। श्रद्धा की पर्याय ने अकर्ता स्वभाव का आश्रय लिया तो वो पर्याय भी अकर्ता हो, वो पर्याय ऐसा नहीं मानती कि मैं बंधन वाली, वो पर्याय तो अभी ऐसा मानती कि मैं मुक्त। श्रद्धा की पर्याय अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करती है,
श्रीमद जी ने जो कहा ना, सर्व जीव चे सिद्ध सम जे समझे ते थाय। सर्व जीव चे सिद्ध सम, बदा जीव तो सिद्ध सम छे, पण कोणी माटे? ही माटे जे समझे ते थाय। बाकी 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 भगवान आत्मा तो हम कब से है, कब से है? अनादि से है। गुरुदेव बहुत बार उदाहरण देते ना कि सुमेरु पर्वत के नीचे सोना तो है, पर वो सोना क्या काम का? ऐसे भगवान आत्मा तो हम सब है। एक निगोदिया जीव भी ज्ञान और सुख से लबालब भरा हुआ है, पर वो क्या काम का? जो छठी गाथा में कहा ना, उपासवामा आव तो शुद्ध प्रमत नथी अप्रमत नथी, एक गया एक भाव तो बद्धानो आत्मा, बद्धानो आत्मा, पण कोनी माटे? जे एनी उपासना करे एनी माटे, जे एनो स्वीकार करे ए जीव प्रशंसनीय छे, जे एनो स्वीकार करे ए जीव भगवान नो लघुनंदन छे, जे एनो स्वीकार करे एनो अर्ध पुद्गल परावर्तन नी अंदर अंदर शू थई जशे के मोक्ष, वो संसार से रहित हो जाए। बाकी आत्मा तो सबके पास है, सबके पास चल रहा है, पर स्वीकार करना, स्वीकार करना उसका नाम पुरुषार्थ। क्या कहा बहन? स्वीकार करेंगे तो आनंद आएगा, स्वीकार नहीं करेंगे ना, स्वीकार नहीं करेंगे तो चल रहा है। आत्मा तो सबके पास है पर वो आनंद नहीं आएगा। क्या कहा? स्वभाव में तो चार पाए नहीं। देखो इधर सिद्ध पर्याय की बात नहीं की है, जो छह डाले में कहा ना कि ज्ञान समान नहीं, क्या कहा? ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। वहां जो बात की ना परमात्मा की बात की, सिद्ध भगवान की बात की, वो तो पर्याय में द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से रहित हो गए। पर यहां किसकी बात है? यहां तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात है कि जिसमें ये चार पाए नहीं है, और ऐसे ऐसे चार पायों से रहित भगवान आत्मा की जिस परिणति ने दृष्टि की, ऐसी दृष्टि में से भी वो चार पायों का छेद हो गया, अभाव हो गया। अब उस ज्ञानी को क्या? ज्ञानी को चारित्र मोनि संबंधी रागादि परिणाम अभी है, मिथ्या तो नहीं, पर अभी भी चारित्र मोह संबंधी अविरति प्रमाद कषाय योग सब कुछ है कि नहीं? अभी चल रहा है, सब कुछ है। पर जो आज गुरुदेव ने बार बार कितनी बार कहा कि चारित्र मोह में के उदय में होने वाला राग समय सार में उसको गणत्री में ही नहीं लिया गया है, उसको गौण कर दिया, गौण कर दिया, क्योंकि वो राग अस्थिरता जन्य राग तो वो टलने वाला है, नियम से टलेगा, क्यों चिंता करते हैं? ज्ञानी को राग की चिंता नहीं, क्योंकि राग में से क्या उड़ गई? राग में से सुख बुद्धि, राग में से कर्ता बुद्धि, राग में से उपादेय बुद्धि, राग रखने लायक है ना, ये बुद्धि उड़ गई ना। अब जो अस्थिरता जन्य राग है, खाने पीने का, बराबर पूजन आदि का, स्वाध्याय आदि का, है ना, मंदिर बनाने के, है ना, साधर्मी के प्रति वात्सल्य का परिणाम, बराबर ये ज्ञानी को खाली शुभ नहीं, ज्ञानी को अशुभ भी है। अभी भी वो पांच इंद्र के विषय भोग में दिखेंगे, ज्ञानी दिखेंगे नहीं दिखेंगे? ज्ञानी नहीं दिखेंगे, बोलो। भरत चक्रवर्ती छह खंड के वैभव के बीच में है ना, बोलो। सौदर्म इंद्र 32 लाख विमान, और इंद्राणियां कितनी? 40 नील तो सच्ची इंद्राणियां कितनी? 40 नील, पर एक परमाणु ने पोताना मान तो ना, नौ कर्म कर्मे हूँ माँ वड़ी कर्म ने नौ कर्म छे ते बुद्धि ज्या लगी जीवनी अज्ञानी त्या लगी। एक परमाणु में अपनापन नहीं है ज्ञानी, इसका नाम निशंगपना, इसका नाम क्या है? अब राग का नाश करना है कि नहीं करना? राग का नाश करना है कि नहीं करना? राग का नाश करना कि नहीं करना? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरे स्वभाव में राग है ही नहीं ना, जो हो तो उसका नाश करे,
जो है ही नहीं तो है ही नहीं तो उसका क्या नाश करे। सुन मा रहा है, अपन कहते ना मैंने परद्रव्य का मैं त्याग करूं त्याग करूं, पर परद्रव्य का मैंने आज तक ग्रहण किया ही नहीं। सुन मा रहा है, तो मैं त्याग किसका करूं? ऐसे ऐसे द्रव्य स्वभाव के अंदर से महिमा आए, अंदर से ऐसी रुचि हो, तब जाके सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है। सम्यक दर्शन माने किसका नाम? सम्यक दर्शन माने किसका नाम? एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय से भी अधिक महिमा उसको आत्मा की आए ना। सुनना, एक समय की अरहंत और सिद्ध भगवान की पर्याय से भी अधिक महिमा किसकी आए? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की आए, तब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। अपनी महिमा, अपनी महिमा, आई एम द बेस्ट, जगत में कोई उत्कृष्ट पदार्थ, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पदार्थ हो तो कौन है? बोलो कौन है? मैं स्वयं भगवान आत्मा, 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव। बोलो कितने कितने सागर? किसकी चर्चा? बस एक आत्मा की चर्चा। और या तो हम थोड़ा समय सुनते हैं ना, पढ़ते हैं, तो तुरंत दृष्टि किस पे जाती है? घड़ी पे जाती है ना। क्या दिखने लगता है? घड़ी दिखने लगती है ना। शॉपिंग में जाते तो घड़ी नहीं दिखती, पिक्चर में जाते हैं तो 3 घंटा, फिर तो ऐसे बोलते हैं 3 कलाक तो क्या वया गया, खबर लो कोई। ये पूरा पूरा मार्ग रुचि का, देखो जो बेंची कहते हैं रुचि अनुयायी भी, उपयोग ने नहीं पलट, रुचि ने पलट तो उपयोग पलटाया बगैर, रुचि को पलट दो बस। काम करना है ना मुझे तो ये बहु में, मुझे मेरा काम कर। जैसे वो टॉप आने वाला लड़का, उसका एक ही फोकस है, क्या फोकस है? मुझे तो सब में टॉप आना, टॉप आना। ऐसे एक आत्मार्थी, एक मोक्षार्थी का एक ही लक्ष्य, क्या लक्ष्य बहन? क्या लक्ष्य? कि मने मारो आत्मा जोवेश, कोई पन कीमत पर मने मारो आत्मा जोवेश, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे पुण्य का उदय ना हो तो चलेगा, बार में मान आदि नहीं मिले तो चलेगा, किसका मान और किसका अपमान? ये शरीर का मान और अपमान है, अनंत बार हुआ है, और ये खरेखर जिसका हो रहा है ना, वो मैं हुई नहीं, मैं हुई नहीं। किसका नाम, किसकी प्रसिद्धि, किसकी वाहवा? यहाँ पे आत्मा के वखाण हो रहे हैं, उस पे लक्ष्य नहीं जा रहा। महिमावंत उत्कृष्ट पदार्थ जगत में छे वे पोतानो विकाली रूप निशंकित, यानी कैसे हो गए? राग है पर राग पर दृष्टि नहीं, राग है पर राग पर क्या नहीं? क्योंकि राग होने पर भी राग के कर्ता नहीं ना, राग के कर्ता नहीं, रागनो राग नथी। गुरुदेव ने भाषा में कहिए तो रागनो राग। अब राग के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं रहा, अब राग के साथ क्या हो गया? ज्ञाताग्ने संबंध हो गया। ज्ञाताग्ने माने रागने और मैं ज्ञायते, मेरे ज्ञान में जानने में आने योग्य, पर मैं करने वाला। आता है और जाता है, आता है और जाता है। अब देखना परिणाम, परिणाम बदलने का नहीं है, पर परिणाम होने के बावजूद भी परिणाम पर से दृष्टि हटानी है। परिणाम को क्या बदले? परिणाम तो अपने आप बदल जाएगा। बोलो परिणाम कितने समय के? कितने? एक समय के। अब मैं परिणाम को क्या बदलू? जहां मैं बदलने जाऊंगा ना, उधर वो परिणाम स्वयं नष्ट हो जाएगा। अपन को ऐसा लगता है अशुभ परिणाम आ गए, ओ बाप रे अशुभ परिणाम आ गए, अशुभ परिणाम आ गए। फिर कभी बहुत शुभ परिणाम आ जाते हैं तो हमने को अच्छा लगता है कि नहीं बहुत शुभ परिणाम हो गया, तो अच्छे परिणाम हुए, अच्छे परिणाम हुए, है ना। अभी अभी अच्छे परिणाम कर रहे, दूसरे समय में अशुभ आ जाएंगे। तो परिणाम तो बदलने ही वाले है, परिणाम को मैं क्या टिकाऊ? परिणाम होने के समय दृष्टि परिणाम पर नहीं, दृष्टि किस पर? स्वभाव पर। दृष्टि अपरिणामी पर, फिर परिणाम को सुधारना पड़ेगा नहीं, परिणाम सुधरे बिना ये उपाय है ना। वो जैसे अपने वो स्त्री और पुरुष दोनों वो सोना लेने जाते हैं,
तो स्त्री की दृष्टि किसके ऊपर होती है? बहन, स्त्री की दृष्टि वो घाट के ऊपर होती है और पुरुष की दृष्टि वो सोना सोने पे होती है, है ना? लग रहा है कि नहीं? माने वो स्त्री की दृष्टि उत्पाद व्यय के ऊपर और पुरुष की दृष्टि ध्रुव के ऊपर, है ना? तो सोगानी जी का ना पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। खाली दृष्टि बदलना है और कुछ नहीं। कोई संयोग को हम बदल नहीं सकेंगे, कोई संयोग को हम बदलने में समर्थ नहीं है, कोई उदय को बदल नहीं सकेंगे, कोई परिणाम को भी हमें बदलना नहीं है। क्या करना है? क्या करना है? बस इन सब के बीच में दृष्टि बदलना है। क्या बदलना है? दृष्टि। परिस्थिति को मत बदलो, मनस्थिति को बदलो। उपयोग उपयोग वहां मत ले जाओ, उपयोग को वहां से हटाओ और उपयोग कहां ले जाओ? बारंबार उपयोग में मुख्यता किसकी? उपयोग में मुख्यता अपने ध्रुव, अपने ज्ञायक। तो देखो काम काम तो एक समय में हो जाएगा। कितने समय में? एक समय। अरे तीर्यंत गति का अनपढ़ जीव कर लेता है। कौन कर लेता है? तीर्यंत गति का अनपढ़ जीव, जिनको सात तत्व के नाम भी नरक गति के जीव को पूछो, बोलो ज्ञानी को पूछो सात तत्व के नाम। और अपन दिन रात इसके रट्टे मारते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, इतना याद रखते हैं, इतना क्षेम ज्ञान है, तो भी इधर ये गुरुदेव समो शर्मा जई ने पढ़ के वो रोने को, उसको उसकी महिमा आ गई ना तो काम हो गया। अंदर महिमा इसकी आ जाए तो यहाँ पे सम्यक दर्शन वे बिना रहेगा नहीं, वे बिना रहे। निशंकित निशंकित अंग पहला अंग। अब देखो व्यवहार से आप समझो, व्यवहार में निशंकित क्या है? व्यवहार में निशंकित सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में शंका नहीं करना, ये व्यवहार से निशंकित। अपन दोनों लेंगे निश्चय और व्यवहार। व्यवहार में सच्चे देव शास्त्र के स्वरूप के संबंध में शंका नहीं, है ना? जिन वचनों में शंका नहीं, जो जिनेंद्र भगवान ने सात तत्व बताए उसमें क्या नहीं करना? शंका नहीं, वो व्यवहार से निशंकना। और निश्चय से निशंकना क्या? निश्चय से निशंकना तो कि अपने द्रव्य में शंका नहीं करना। क्या शंका नहीं करना? कि भाई मैं कर्म से बंधा हूं, ऐसी शंका नहीं करना। ज्ञानी निशंक हो गए कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो कर्म से कभी बंधा ही नहीं, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, कभी राग वाला में हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसका नाम निशंकपना, इसका नाम निश्चय से निशंकता। हला रहा है? निश्चय से निशंकता। और जो गुरुदेव कहते हैं निश्चय पूर्वक का व्यवहार ही सच्चा व्यवहार। सच्चा व्यवहार कब कब कहलाएगा? निश्चय पूर्वक का व्यवहार वही सच्चा व्यवहार। देखो टीका, कारण के सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव पणा, एक गायक गायक भाव मई पणा ने लीधे कर्म बंध संबंधी। देखो ये पहली लाइन है ना, ये सारे अंग में कॉमन है, इस सब में सेम आएगी। कारण के सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण का अर्थ, टंकोत्कीर्ण माने शाश्वत, टंकोत्कीर्ण माने अनादि अनंत, टंकोत्कीर्ण माने ध्रुव। टंकोत्कीर्ण का दूसरे शब्द में कहते तो विज्ञान घन, विज्ञान घन जिसका गायक में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। विज्ञान घन, विज्ञान घन जैसे वज्र की दीवार है ना, तो उसमें वो खिला, ऐसे मैं कैसा? वज्र समान, वज्र समान मेरे में एक समय की पर्याय का भी प्रवेश नहीं, तो फिर मैं संयोग की तो क्या बात है, और मैं पुण्य पाप के उदय की तो क्या? वो तो मेरे बाउंड्री में ही नहीं है, तो हम किसका रोना रोए, हम किसके लक्ष्य करे ना? मेरे 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 आत्मा में, मेरी शुद्ध सत्ता में आज तक कुछ बिगाड़ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं तो ज्यों का त्यों, ज्यों का। समझ आ रहा है? टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव मई पणा ने लीधे, मई मई गायक, गायक नाम केम पड़ियो आत्मा नु? ज्ञाननी मुख्यता से आत्मा का नाम गायक पड़ा, ज्ञान की मुख्यता। और इधर ऐसा नहीं कहा ज्ञान वाला नहीं कहा, ज्ञान मई हाँ, ज्ञान वाला कहेंगे ना तो भेद हो जाएगा, ज्ञान मई कहेंगे तो
आपको अबे 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 तेरे ना सुना कृतिका मिल जाएगा ज्ञायक ज्ञायक अभेद अभेद यार अभेद हो जाएगा मई माने कोई भेद नहीं क्योंकि भेद उत्पन्न करेंगे ना तो भी राग होगा विकल्प होगा ना और ज्ञायक मई कहेंगे तो कोई भी प्रकार का भेद विकल्प ज्ञायक भाव मई पढ़ाने लीधे सुख गुण की मुख्यता से कहेंगे तो सुखमयी है ना और ज्ञान की मुख्यता से कहेंगे तो ज्ञान मई लीधे कर्म बंध संबंधी शंका करनारा अर्थात जीव निश्चय थी कर्म वडे बंधायो छे एवो संदेह अथवा भय करनारा मिथ्यात्वादी भावोनो अभाव होवाथी मिथ्यात्व आदि आदि એટલે ચાર લઈ લો કૃતિકા બેન ચાર લઈ લો મિથ્યાત્વ અવિરતિ કસાર અને યોગ્ય ભય મિથ્યાત્વ સંબંધી શંકા અને મિથ્યાત્વ સંબંધી ભય ન ભય તો છે સાંભળજો ક્યાંની કો ભી ભય હે પણ કોણ સા ભય અપ્રત્યાખ્યાન પ્રત્યાખ્યાન ઓર સ્વંજનન સંબંધી देखो शेर आएगा ना सामने अगर शेर दिखा तो ज्ञानी भी भागेंगे वो भी भागेंगे क्यों भागे कौन से कर्म का उदय अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और स्वंजन उस समय उनको मिथ्यात्वरणतानुबंधी नहीं है इसलिए उनको ऐसा भय नहीं अंदर में कि ये मेरा नाश हो जाएगा उनमें आ रहा है सपोज शेर ने भक्षण किया तो मेरा नाश हो जाएगा ऐसी ज्ञानी को शंका नहीं है मैं मर जाऊंगा ऐसी शंका नहीं क्यों नहीं क्योंकि कौन सी दो कषाय चली गई मिथ्यात्व तो और अनंतानुबंधी चली गई ख्याल आ रहा है पर वो दौड़ेंगे क्योंकि कौन से अभी कर्म बाकी है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और स्वंजनन संबंधी भय है सपोज कोई रोग आया यानी को भी कोई रोग हुआ तो वे डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे पर उसी समय उनको श्रद्धा संबंधी दोष नहीं है बराबर कि रोग आया तो अब मुझे रोग हुआ है ना मेरा नाश हो जाएगा ऐसी उनको शंका और भय नहीं पर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन संबंधी अभी भी जो उदय है उतना उनको राग आदि परिणाम देखे जाते हैं ख्याल आ रहा है कि नहीं पर उसको गौण कर दिया उसको क्या कर दिया समय सार में गौण कर दिया बराबर अब कहा मिथ्यात्व आदि भावों का अभाव हुआ थी निशंक छे तेथी तेने शंका कृत बंद नथी परंतु निर्जराज छे मड़ियु अभी ये सारे अंग में ये लाइन आएगी के शंकाकृत बन नथी वांछाकृत बन नथी है ना फिर अनुपगुहन कृत बन नथी अस्थितिकरण कृत बन नथी तो इसमें क्या समझना शंकाकृत बंद नथी माने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी बंद नथी नया बंद हो रहा है ना बंद तो हो रहा है पर कौन से संबंधी बंद नहीं मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी बंद बराबर परंतु निर्जराज छे अब किसकी निर्जरा तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की निर्जरा और नए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंद नहीं आ रहा है ना नया उसका बंद भी नहीं और उसी कर्मों का क्या हो रहा है निर्जरा हो रही है निर्जरा हो रही है इसलिए ज्ञानी को शंकाकृत बंद नहीं क्योंकि वे क्या हो गए निशंक हो गए कैसे निशंक हो गए कि मैं आज तक कर्मों से कभी बंधा ही नहीं मैं तो हाल में वर्तमान में कैसा हूँ मुक्त हूँ मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं देखो एक वाक्य कहती हूँ ज्या बंधन छे ना त्या हूँ नथी अने ज्या हूँ छू त्या बंधन फिर से क्या कहा रानी भाभी कि ज्या बंधन छे त्या हूँ नथी અને જ્યાં હું છું ત્યાં બંધન બંધન હો તો હો રાગ હો તો હો હે ના પર કહા કહા નહીં મેરે મેં નહીં પર્યાય મેં હૈ પર મેરે દ્રવ્ય સ્વભાવ મેં નહીં ના રે ઓર દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય સ્વભાવ પે ગઈ તો દ્રષ્ટિ ભી કેસી હો ગઈ હૈ મુક્ત હો ગઈ અપન કહેતે ને ચોથે ગુણસ્થાન આયા તો દ્રષ્ટિ મુક્ત
है ना, क्या नाम है अंक का? श्वेता अंकी, है ना। चौथा गुणस्थान आया तो क्या हो गए? दृष्टि मुक्त, दृष्टि मुक्त हो गए। माने अभी मिथ्यात्व संबंधी उनको बंद नहीं है, और जो मिथ्यात्व सत्ता में पड़े थे उनकी क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही है। इसका नाम निशंकित, निश्चय से निशंकित, व्यवहार से निशंकित। क्या कहा? व्यवहार से निशंकित क्या कहा? क्या कहा? देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में शंका, जिन वचनों में शंका नहीं, और निश्चय से निशंकित अपने स्वरूप संबंधी शंका। क्या शंका नहीं? मेघा भाभी, क्या शंका नहीं कि मैं कर्मों से बंधा नहीं, मैं राग वाला कभी हुआ नहीं। इसका नाम निश्चय से निशंक हला रहा है कि नहीं। जैसे गुरुदेव उदाहरण आता है ना समय सार में, कि भाई लोखंड का एक गोला हो और सोने का गोला हो, दोनों कादव में पड़े हैं, दोनों कादव में पड़े हैं, तो काट किसको लगेगा? लोखंड को लगता है ना, सोने को नहीं लगेगा। ऐसे यहाँ पे ज्ञानी लो एक बाजू और एक बाजू अज्ञानी को रखो, तो बंद किसको होगा? बंद किसको होगा? जैसे काट उस लोखंड को लगा ना, ऐसे बंद अज्ञानी को होगा और ज्ञानी को बंद होता नहीं। इसलिए अज्ञानी लोखंड के समान और ज्ञानी सोने के समान। एक निर्जराधिकार में आता है, ज्ञानी निर्जरियो थपो निर्जरियो, अज्ञानी बंधायो थको निर्जरी। माने क्या? ज्ञानी को तो नया बंध नहीं ना, इसलिए निर्जरियो थको निर्जरी। और अज्ञानी को भी निर्जरा तो हुई, पर कैसी निर्जरा? सामने बंद। हाँ बहुत बढ़िया, सकाम, सकाम निर्जरा आता है ना, सकाम ने अकाम है ना, अज्ञानी को अकाम निर्जरा। अकाम कहते ना अपन की कोई काम की नहीं, मोक्ष मार्ग में कोई आंधी काम की नहीं, ऐसी क्योंकि बंद हो रहा है ना, निर्जरा तो हो रही है, अपन सामने क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, तो वो निर्जरा कोई काम नहीं। देखो चाधो लिटि का भावार्थ है, सम्यक दृष्टि ने कर्म नो उदय आवे छे, तेनो ते स्वामित्व नो अभाव ने लीधे। अबे देखो ये थोड़ा जयचंद जी छापा ने थोड़ा और अच्छे से स्पष्टीकरण कर दिया। क्या कह दिया? कि अब सम्यक दृष्टि ने जो कर्म नो उदय आवे छे, अबे कया कर्म नो उदय आवे छे? कयो? हाँ है ना, तीन का उदय आता है, पर उसमें क्या नहीं? स्वामित्व नो अभाव, मिथ्यात्व अनंता नु बंदी मां स्वामित्व नो अभाव। एम न कीधु केम? एम न कीधु एनु तो बंद, ए तो छेज नहीं, ए तो छेज नहीं, बराबर के नहीं? ए तो उदय मां काय आवतो नथी, ए तो निर्जरित थई जाय छे, उदय मां आवतो नथी मिथ्यात्व अनंता नु बंदी, एनो स्वामित्व नो अभाव कहेवानो कोई मतलब ज नथी। पण कोनो स्वामित्व, किसका स्वामित्व का अभाव है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानो, उसका उदय है पर उसका स्वामित्व पना नहीं है ना। अब कहा करता थतो नथी, माटे भई प्रकृति नो उदय आवता छता पण सम्यक दृष्टि जीव निशंक रहे। भई भई प्रकृति का उदय आता है, अलग है कि नहीं? भई प्रकृति का उदय आता है तो भी ज्ञानी कैसे है? कि मेरे स्वरूप में तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, तो ज्ञान से सुख से अनंत गुण से लबालब भरा हुआ कि नहीं? कहते ना दीपचंद जी ने कहा है कि इस अज्ञानी की शुद्धता भी बड़ी और अशुद्धता भी बड़ी। शुद्धता क्यों बड़ी? क्योंकि इतने बार में उदय आने के बावजूद भी, इतने घोर प्रतिकूल उदय आने के बावजूद भी, इतनी बार निगोद में जाने के बावजूद भी, अक्षर का अनंत भाव होने के बावजूद भी, शुद्ध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए इसकी शुद्धता भी बड़ी और इसकी अशुद्धता भी बड़ी। क्यों बड़ी? क्योंकि अनंत बार समो शरण में गया ना, तो भी वो कोरा का कोरा आया। ख्याल आ रहा है? काम नहीं हुआ ना, अनंत बार इतने उत्कृष्ट निमित्त मिले तो पण केवो आव्यो? केवड़ी आगळ रही गयो कोरो। इतने उत्कृष्ट निमित्त मिलने पर भी, क्योंकि उपादान नहीं जगाया ना, और उपादान जगाएंगे हाँ, तो एक वो शेर की पर्याय में भी उसका काम हो गया। शेर की पर्याय जो थोड़े समय पहले क्या कर रहा था? मांस भक्षण, पेट में मांस था, मुंह में मांस था,
पर उपादान जगा तो दो चारण बुद्धि मुनिराज आके क्या कर दिया, बोलो, उपदेश दिया कि नहीं? और यह पाठ लब्धि प्रगट हो गई, उपादान इतने तो बेनश्री कितनी उपादान पर वजन आपता था ना कि निमित्त की दृष्टि मत करो, अरे उपादान जगेगा तो सामने ज्ञानी मिने बिना, बेनश्री का उपादान जग गया ना तो गुरुदेव मिल गए, सुगानी जी का उपादान जगा तो गुरुदेव मिल गए, इसे अपना उपादान जगेगा ना तो अपना काम हुए बिना और तब गुरुदेव निमित्त कहलाएंगे, गुरुदेव कौन कहलाएंगे, निमित्त कहलाएंगे। बाकी तो पुण्य का उदय तो मिला है, पर खरेखर पुण्य का उदय, पुण्य नो उदय फड़ियो क्यारे कहवाय, पुण्य का उदय तो मिला पर पुण्य नो उदय फड़ियो क्यारे कहवाय, क्यारे कहवाय कि जारे काम थाय तो मने गुरुदेव मळ्या कहवाय, तारे मने आ जैन कुल साचा देव शास्त्र गुरु मिले कहलाएंगे, ने तो ये कहे एक बार नहीं मिला है, एक बार नहीं मिला है, अरे ये सब चीज हमें अनंत बार मिली, अनंत अनंत बार, और अब ये बहु में काम नहीं करेंगे तो वो इतना अनंत बहु में प्लस वन कर दो, प्लस वन, और फिर ये चीज वापस मिलना अति 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 अति, समय कम है ना तो इसपे तो बहुत विस्तार, क्योंकि गुरुदेव मनुष्य भव की दुर्लभता कहते थे ना कि भाई असंख्यात भव वो नरक के करे, उससे असंख्यात गुणा भव वे स्वर्ग के करे, उससे अनंत गुणा भव वो तीरंज के करे, तब जाके उसको एक मनुष्य भव मिलता, एक मनुष्य भव मिलता है ना, अपने को कैसा बाहर में सब मजा 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 मजा, खाने पीने फिरने घूमने कहीं मजा नहीं, अगर कवास सुख होता ना तो हम सब अब तक सुखी हो जाते, हम विषय नहीं बदलते, हम 10 दिन हिल स्टेशन जाके आते हैं फिर क्या याद आता है, घर याद आता है कि नहीं, फिर क्यों याद आए, हिल स्टेशन में सुख होता तो उधर ही रह जाते ना फिर, हाँ उधर ही रह जाते, अगर रसगुल्ला खाने में ही सुख होते तो खाते ही रहते, फिर वो ज्यादा ज्यादा खाते है ना ऐसा क्या होने लगता है, फिर आकुलता होने लगती है ना, बहुत हो गया बहुत हो गया, टीवी में सुख होता ना तो हम टीवी बंद ही नहीं करते, और वो 2 घंटा देखते ना फिर सिर दुखने लगता, फिर वो वापस एक गोली लेनी पड़ती है, वो इसका मतलब ये है कि कोई इंद्रियों के विषय में बाहर सुख को खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे, आत्म ही सुख खान है चेतन, इसको भूल न जाना रे, सारे सुखों का यह है ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, क्या क्या ढूंढ लो, ठिकाना। तो इसके बाद आता है निकांक्षित अंग, बहुत सुंदर गाता है, जे कर्म फड़ने सर्व धर्म तणी न कांक्षा राख तो चिन मूर्ति से कांक्षा रहित समकीत दृष्टि जान हो। 5-10 मिनट से कथा आप जो एक बार सुके जो कथा, जे चेतयिता कर्मो न फल प्रत्ये तथा सर्व धर्मो प्रत्ये कांक्षा करतो नथी ते निकांक्ष सम्यक दृष्टि जानवो। दो चीज कही इसमें, दो चीज, ज्ञानी ज्ञानी को चेतयिता का अर्थ समझते ना, जानना, कर्म फल प्रत्ये, कर्मों के फल के प्रत्ये एक, और दूसरा कहा सर्व धर्मो प्रत्ये, तो यह धर्म माने क्या, धर्म माने आत्मा में जो धर्म है उसकी बात है, उसकी बात है नहीं, उसकी बात नहीं है, बराबर ना, फिर यहाँ पे धर्म माने किसकी बात कही, शुभ अशुभ परिणाम की बात की तो के नहीं, यहाँ पे सर्व धर्मो प्रत्ये माने जो पुद्गल के धर्म है ना, धर्म माने पर्याय, ये जो भी हमको दिख रहा है ना वो सब पुद्गल का धर्म दिखता है ना, ये चांदी सोना जो भी सब दिखता है वो धर्म पुद्गल के धर्म है, तो दो के प्रति वांछा नहीं ज्ञानी को,
कर्म के फल के प्रति और सर्व धर्मों के प्रति, उन दो के प्रति ज्ञानी को बांधा। माने इधर मुझे तीर्थंकर गोत्र का बंध हो जाए और बाहर में सारी अनुकूल सामग्री मिल जाए, स्वर्ग आदि का पद मिल जाए, चक्रवर्ती का पद मिल जाए, ये फल की वांछा नहीं। और सर्व धर्म प्रत्यय मुझे चांदी सोना पैसे बंगले आदि मिल जाए, पुण्य फल की वांछा, सर्व धर्म प्रत्यय की धर्मों के प्रत्यय वांछा, दो चीज समझ में, दो की प्रत्यय वांछा नहीं। रजकण के रिद्धि वैमानिक सर्वे मान्या पुद्गल एक। अज्ञानी को पाप का उदय आता है ना, तो उसको लगता है कि कब चला जाए, और पुण्य का उदय आता है ना, तो उसको लगता है कि कभी ना जाए। और ज्ञानी को पुण्य का उदय आता है तो उसमें समता रहता है, और पाप का उदय आता है तो उसके ज्ञाता रहते हैं। मैं पाप का उदय आया ना ज्ञानी को, तो उसके ज्ञाता है, पता है कि ये उदय आया है, पर मेरे ज्ञान का मात्र मेरे में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कौन सा अंग पहला निसंकित। अब जो राग होता है ज्ञानी को भी, जो अस्थिरताजन्य राग होता है ना, तो उसके फल में उनको बाहर में पुण्य का बंध होता है। चक्रवर्ती तीर्थंकर पद किसको बनता है, ज्ञानी को ही बनता है ना। तो राग के निमित्त से उनको जो पुण्य का बंध बनता है, उसको उसकी ज्ञानी को चाह नहीं, तो ये कौन सा अंग, निकांक्षित है ना। मैं कर्मों से बंधा नहीं, ये निशंकित, और कर्म का फल आया तो उस फल की वांछा नहीं, वो निकांक्षित। दोनों में अंतर समझ में आ गया है ना। चक्री इंद्रादिक पद नहीं चाहू, विषयन में ना ही लुभाऊ, रागादि दोष तरीजे, परमात्म पद मुझे दीजिए। गुरुदेव एक परिभाषा कहते हैं, ज्ञेयों में भेद करना, देखो ज्ञेयों में भेद करना उसका नाम मिथ्या है। क्या कहा, ज्ञेयों में भेद करना, स्मृति का बहन, क्या करना, ज्ञेयों में माने ये अच्छा और ये बुरा, ये इष्ट और ये अनिष्ट, ऐसा भेद करना अंति उसका नाम क्या है, न्यू में भेद करना उसका नाम मिथ्या है। एक्सपायरी डेट वाले सारे गिने कैसे है, एक्सपायरी डेट वाले, ये पांच इंद्र के विषय में से सुख मिलता है ना, वो एक्सपायरी डेट वाला, और जो आत्मा में से सुख मिलता है वो परमानेंट सुख है ना, वो परमानेंट सुख। अपन ने खाली नाम दे दिया है कि विषयों में से सुख मिलता है, जो श्रीमद जी ने लिखा है ना, नाम सुख अनंत दुख प्रेम त्या विचित्रता, खाली लेबल बदला है, पर लेबल बदलने से उसमें से सुख की प्राप्ति होने वाली है ना। निकांक्षित टीका, कारण के सम्यक दृष्टि टंको किरण एक भाव मई पणाने लीदे, देखो पहली लाइन सेम, बंधाय पणाने लीदे, बंधाय कर्म फड़ो प्रत्यय तथा बधा वस्तु धर्मो प्रत्यय कांक्षानो अभाव हुआ थी, निकांक्ष निर्वांचक छे तेथी तेने कांक्षाकृत, देखो कौन सा बंध नहीं, कांक्षाकृत बंध नहीं, माने मिथ्या तो अनंतानुबंधी का बंध नहीं, परंतु निर्जराज छे, निर्जराज है ना। अब भावार्थ में जयचंद जी छापड़ा ने बहुत सरल कर दिया, सम्यक दृष्टि ने समस्त कर्मों ना फलनी वांछा नथी, वड़ी तेने सर्व धर्मोनी वांछा नथी, दो चीज एटले सु धर्मों की वांछा नहीं माने कनकपणानी पाषाणपणानी वगैरह तेमज निंदा प्रशंसा आदि ना वचन वगैरह वस्तु धर्मोनी अर्थात पुद्गल स्वभावोनी तेनी वांछा नथी, तेमना प्रत्ये संभाव छे, कयो भाव छे, अथवा हवे त्रीजू जयचंद जी छापड़े ने तीसरा भी कहा, क्या कहा, अथवा तो अन्य मतियो मानेला अनेक प्रकार ना सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मुनी तेने वांछान, तीसरा भी कह दिया जयचंद जी छापड़ा ने, दो तो समझ में आया, पुण्य के फल की वांछा नहीं और पुद्गल के धर्मों की वांछा नहीं,
अब जयचंद जी साहब ने तीसरा भी कह दिया, क्या कह दिया, कि जो एकांत पक्षी है ना, एकांत पक्षी मिथ्या मिथ्या पक्षी जो सब है, उन धर्म उन उन एकांत पक्षों की वांछा में, माने इनका मैं समझ लू, इनका मैं सुन लू, है ना, एकांत पक्षियों में क्या बात चल रही है, इनकी बात सत्य होगी, है ना, इनके इनके शास्त्र में पढ़ लू, जरा देख तो लू इनके शास्त्र में क्या लिखा है। अन्य धर्मनी वांछा, बहुत सरस, अन्य धर्मनी पोताना धर्मनी एटली दृढ़ता, पोताना धर्मनी एटली दृढ़ता के अन्य मतोनी वांछा, है ना, लड़ा है कि नहीं, तीन तीन बता दिया, कौन से तीन, फल की वांछा नहीं, उद्गल के धर्मों की वांछा नहीं, और तीसरा अन्य मति के धर्मों की वांछा नहीं, तीन चीज बता दी। अब यहाँ पे कहा कि ते धर्मों नो आदर नहीं, आ रीते सम्यक दृष्टि वांछा रहित होवाती तेने वांछा थी बंद थतो नहीं, वर्तमान पीड़ा सही शकाती नहीं, जो आज गुरुदेव के प्रवचन में आया था कि ज्ञानी को भी वर्तमान पीड़ा सही शकाती नहीं, तेथी तेने मटाड़वानो इलाज नी वांछा सम्यक दृष्टि ने चारित्र मोना उदयना लीधे होय छे, परंतु ते वांछानो करता पोते थता नथी, कर्मनो उदय जाणीने तेनो ज्ञाता ज रहे छे, माटे वांछा कृत बंद तेने। ये लास्ट की जो दो लाइन है ना, तीन लाइन, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ज्ञानी को वांछा नहीं तो बराबर है, पर वो मिथ्यात्व संबंधी की वांछा है, अभी भी उनको चारित्र मुनि का उदय है, अभी भी उनको खाने पीने का पहनने का, है ना, ये सब उनको अभी भी इच्छा है ना, पर दूसरी भाषा में कहे उनको इच्छा की इच्छा नहीं, अब उनको इच्छा हुई ना, वो पीड़ा रूप परिणाम हुए, राग आया, जैसे एक रोगी होता है ना, तो उसको रोग आया, रोग हुआ, अब वो रोग हुआ तो उसका क्या करेगा, इलाज करेगा कि नहीं, इलाज करेगा ना, पर वो रोग और उस दवाई में कहीं पे भी उसको उपादेय बुद्धि नहीं, उसको अच्छा नहीं मानता, बराबर, सुनना, ऐसे ज्ञानी को राग आया, जैसे रोग हुआ ना, रोग तो रोग के स्थान पे राग को रखो, ज्ञानी को भी राग आया, जैसे उस रोगी ने क्या किया, इलाज किया ना, दवाई आदि ली, ऐसे ज्ञानी को राग आया तो उसने भी भोग को भोगा, सुना, भोग को भोगा, ज्ञानी को भूख लगी तो उसने क्या किया, भोजन किया ना, भोजन किया, उसको भी कहीं घूमने फिरने का परिणाम आया तो वो भी उसने उसका फल रहा है, उसका इच्छा का पूर्ति की, पर सुनना, तो फिर ज्ञानी अज्ञानी में अंतर क्या, तो फिर ज्ञानी अज्ञानी में अंतर क्या, अज्ञानी तो उस इच्छा में और उस भोग में उपादेय बुद्धि मानता है, अच्छा मानता है, सुख बुद्धि मानता है, और ज्ञानी को इधर राग हुआ और जो भोग भोगा, उन दोनों में कहीं पे भी सुख बुद्धि नहीं, कमजोरी से हुआ, कमजोरी से, और अपने अंदर में इतना स्थिर नहीं रह पाया, इसलिए उसको उस भोगों का अवलंबन लेना पड़ा, उसकी मजबूरी है, क्या कहा, उसकी मजबूरी, चक्रवर्ती 96,000 का भोग करता है ना, उसकी मजबूरी, वो पीड़ा पीड़ा सहन नहीं होती है, फिर क्या करता है चक्रवर्ती, वो राग तोड़ के फिर क्या कर लेता है, वापस निर्विकल दशा की प्राप्ति कर लेता है, पर वो राग में आया तो वो राग कैसा लगता है, दुखरूप लगता है, जहर लगता है, काले नाग समान लगता है, पर अज्ञानी को तो राग आया, पर राग में क्या लगता है, अच्छा लगता है, राग में ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर, दोनों को राग होता है, दोनों भोग भोगते हैं, पर एक को उस राग और भोग में अच्छा लगता है, और ज्ञानी को राग और भोग में अच्छा नहीं, क्योंकि एक ने आत्मा का स्वाद चख लिया है ना, और अज्ञानी ने आत्मा का स्वाद चखा नहीं, और उसमें ही सुख मान के बैठ गया, लग रहा है कि नहीं, और ऐसे ही वो अस्तित्वजन्य राग भी आत्मा के आश्रय से वो क्या करता जाएगा, वो राग भी ढलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा, क्या आएगा, कि पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति हो जाएगी। देखो ये स्वाद चखा है ना, ज्ञानी ने अतिंद्रिय आनंद का स्वाद चखा है, इसलिए वे संयोग को क्षण मात्र में छोड़ के चले जाते हैं, भरत चक्रवर्ती 6 खंड को एक समय में छोड़ के चले जाते हैं,
और अज्ञानी ने आत्मा का आनंद नहीं चखाना तो उसका एक सहयोग भी इधर इधर हो जाएगा ना, तो हिल जाएगा, आकुल व्याकुल हो जाएगा। उसको एक परम एक एक सहयोग छोड़ने में बहुत कष्ट, और ज्ञानी को इतना सहयोग छोड़ने में कोई कष्ट, कोई कष्ट। ये किसकी, ये किसका कमाल? ये सम्यक दर्शन का कमाल, ये दृष्टि का कमाल। लड़ाई के जिसने अपने आत्मा को देख लिया उसको पूरा जगत कैसा लगता है? तुच्छ लगता है। एक अंतिम उदाहरण देके पूरा करती हूँ। जैसे वो दूध में उभरो आवे ना, दूध में उभरो उभरो आवे तो आपने तो इम लगे कि 5 लीटर दूध होते ना 10 लीटर थे, 10 लीटर लगे ना भारतीय तो 10 लीटर लगे। पर उन्हें उभरा में शू है? उभरा में दूध है कि पोलू है? पोलो नहीं ना, काई नहीं ना, એ અહીંયા 12 માં બધું વધી જાય છે ને, જે બોલો ઓલો ઓલો ઉભરો આવ્યો તો આપણને લાગે દૂધ ઘણું બધું થઈ ગયું, એ અહીંયા 12 મેં બઢ જાતા હે ના, તો હમકો એસા લગતા હે કે હમારે મેં બહોત બઢ ગયા, હમ બડે હો ગયે, હમ બડે હો ગયે। પર ખરેખર ખરેખર જૈસે વો પોલા હે ના, પોલો કુછ નહીં હે ઉસમે, એસે મેરે ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા મેં આજ તક કિસી કા પ્રવેશ હુઆ હી નહીં હે ના, नहीं पाप के उदय का, नहीं प्रतिकूल सामग्री का, नहीं पुण्य के उदय का और नहीं अनुकूल सामग्री का। ऐसे ब्रह्म का नाश, उस ब्रह्म का नाश होना उसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसे सम्यक दर्शन की हम सबको प्राप्ति हो और अनंत कालम सिद्धालय में विराजमान हो जाए इसी मंगल धर्म के साथ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए।